नमस्कार, स्वागत है आपका जरा हटके में और मैं हूं आपके साथ सुजीत कुमार। आज की चर्चा तेज प्रताप यादव पर। जी हां, तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद के ज्येष्ठ सुपुत्र और भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार। जी हां, वही तेज प्रताप जिसे आप मायावी भी कह सकते हैं। मायावी इसलिए कि रूप बदलने में वो माहिर हैं, कभी कृष्ण तो कभी भोलेनाथ और न जाने क्या क्या। ये कहते तो हैं कि खुद कृष्ण हैं जो अर्जुन रूपी तेजस्वी का रथ यही खींचकर इसे मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, लेकिन कभी कभी इनके तरीकों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्होंने अपनी पैतृक पार्टी राजद की सुपारी ले ली हो। और विरोधी तो विरोधी, इनके दल के लोग भी इन्हें दबी जुबान से भस्मासुर कहकर बुलाते हैं। भस्मासुर याद है ना, वही जैसे भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया था कि जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। बाद में वो भगवान के ऊपर ही दौड़ गए हाथ रखने के लिए। यहां भी यही हो रहा है, जिस पैतृक पार्टी राजद ने इन्हें पहचान दी उसी पार्टी के खिलाफ पिछले लोकसभा चुनाव में इन्होंने लालू राबड़ी मोर्चा बनाकर उम्मीदवार खड़ा कर दिया। सिर्फ खड़ा ही नहीं किया, जहां जहां इनके उम्मीदवार खड़े थे वहां से राजद प्रत्याशियों का हराने का इन्होंने संकल्प ले लिया था। हुआ ना भस्मासुर वाला तरीका। और अभी तो इन्होंने हद कर दी है, राजद के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजद के फाउंडर मेंबर, और साथ में ये भी कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद के हर दिल अजीज रघुवंश बाबू के लिए कह दिया कि राजद जैसे समुद्र में ये एक लोटा पानी के समान है, और अगर समुद्र से एक लोटा पानी बह भी जाए तो राजद को कोई फर्क नहीं पड़ता, और रघुवंश बाबू सिर्फ एक लोटा पानी है राजद के। मतलब भस्मासुर का अवतार इन्होंने आखिरकार ले ही लिया, और तेज प्रताप यादव ने राजद के लिए बिल्कुल भस्मासुर वाला सुर अलापना शुरू कर चुके हैं। वैसे लालू प्रसाद ने इन्हें तलब करके इनकी क्लास तो लगा दी है, और ऐसी क्लास पहली बार इनकी नहीं लग रही है। इनकी ऐसी भस्मासुर वाली हरकतों पर इनको लालू प्रसाद ने कई बार समझाया भी है, लेकिन तीर कमान से निकल जाने के बाद अब इसका वार वापस तो नहीं किया जा सकता। सुनने में यह भी आ रहा है कि रघुवंश बाबू को जदयू से खुला ऑफर मिला हुआ है। एक तो लालू प्रसाद के जाने के बाद पार्टी पथविहीन हो चुकी है, पार्टी का कोई एजेंडा या कार्यक्रम जमीन पर दिखता ही नहीं है, नहीं गठबंधन दलों के साथ कोई समन्वय है। मांझी नाराज होकर चले गए, और वीआईपी के मुकेश सहनी की पार्टी का अस्तित्व जमीन पर दिखता ही नहीं है। रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जाता है कि बिहार के करीब 14% समुदाय को प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे राजद गठबंधन तरजीह देने के मूड में नहीं दिख रहा है। कांग्रेस का हाल बिहार में क्या है ये किसी से छुपा नहीं है, चुनाव सर पर आ चुका है, लेकिन राजद महागठबंधन के प्रति अभी तक कोई ठोस निर्णय ले ही नहीं पा रहा है, जिसे गठबंधन दलों में भगदड़ की स्थिति को नकारा नहीं जा सकता। जैसे राजद के ऊपर इस बार चुनाव में अस्तित्व संकट के बादल मंडराने के पूरे आसार हैं, और रही सही कसर राजद के भस्मासुर यानी तेज प्रताप यादव ने पूरी कर दी है, क्योंकि इस तरह की हरकतें इनकी पहली नहीं है। ये कुछ न कुछ बयान या कार्यकलाप करते रहे हैं जिसे राजद और लालू प्रसाद के वर्षों की मेहनत पर ये बट्टा लगा रहे हैं। आज की मुलाकात थोड़ी छोटी है, और ऐसी छोटी छोटी मुलाकात हमारी कोशिश है कि हम लगातार करते रहें, छोटी लेकिन असरदार मुलाकात। जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कोई सुझाव या फिर कुछ आपको हमसे साझा करना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और हाँ, हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।